नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए लेकर आया हूं एग्जाम पैटर्न चेंज को लेकर। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं किस यूनिवर्सिटी ने किया है। लेकिन उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की यूजफुल वीडियो और अपडेट सही और स्टीक आप तक हम पहुँचाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साथ ही साथ आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जो YouTube चैनल का नाम है गांधी नॉलेज बैंक, वही टेलीग्राम चैनल का नाम भी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर अभी ज्वाइन कर लो। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर कि किस यूनिवर्सिटी ने चेंज किया है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपना पैटर्न 50% कर दिया, MGSU ने अपना एग्जाम पैटर्न 50% कर दिया, MDSU ने भी 50% कर दिया, कोटा यूनिवर्सिटी ने भी एग्जाम पैटर्न 50% कर दिया और वो दो तीन यूनिवर्सिटी और भी हैं जिन्होंने अपना एग्जाम पैटर्न 50% कर दिया है। लेकिन जो महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय था, उन्होंने एग्जाम पैटर्न 50% नहीं किया था, उन्होंने केवल मात्र 70% कहा था कि 70% सिलेबस आएगा, 30% आपका कम कर दिया है। लेकिन लगातार दबाव बन रहे थे, लगातार स्टूडेंट्स के दबाव बन रहे थे कि हमारा भी पैटर्न 50% किया जाए, तो ऐसा ही हुआ है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप जैसा देख पा रहे होंगे, महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय ने अपना एग्जाम पैटर्न 50% कर दिया है और परीक्षा तिथि भी अब जल्द ही आपकी तय हो जाएगी। और साथ ही साथ अब आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, यानी यूनिट की बाध्यता महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय में बिल्कुल भी नहीं है। तो आप दस में से केवल मात्र दो ही क्वेश्चन आपको करने हैं, ऐसा जैसा कि आप अपडेट देख पा रहे हैं उस अपडेट के अकॉर्डिंग 10 में से केवल मात्र दो ही क्वेश्चन करने हैं। तो ये दोस्तों बड़ी न्यूज है महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय से। पहले 70% था, अब उन्होंने भी 50% कर दिया है। स्टूडेंट्स की लगातार मांग बढ़ने के कारण कुलपति का कहना है कि ये स्टूडेंट्स की मांग नहीं, बाकी जो अन्य विश्वविद्यालय कर रहे हैं उसी की तर्ज के अकॉर्डिंग हमने ये फैसला लिया है कि सभी का एग्जाम पैटर्न 50% हो जाए। तो दोस्तों जो भी ये वीडियो देख रहा है, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।